में श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुनील भराला राज्य मंत्री ने दौरा किया। रावर्ट्सगंज के चुर्क में स्थित जेपी गेस्ट हाउस में उन्होंने श्रम विभाग के अधिकारियों के साथ मंडलीय समीक्षा की बैठक की। बैठक में उन्होंने श्रम विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि समीक्षा बैठक में उन्होंने पाया कि श्रम विभाग की योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या शून्य पाई गई है। यह बहुत ही निराशाजनक है। अधिकारियों का काम करने का तरीका भी निराशाजनक है। उन्होंने लाभार्थियों के घर जाकर योजनाओं का लाभ देने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने वचन दिया है कि वह सभी प्रतिष्ठानों का विवरण जुटाएंगे और लाभार्थियों के घर घर जाकर योजनाओं का लाभ देंगे। आज मंडलीय समीक्षा बैठक में लाभार्थियों की संख्या जीरो पाई गई है, वो बहुत ही निराशाजनक। जो हमारे अधिकारियों के द्वारा जो काम का एक वो देखा गया है वो निराशाजनक था। उस पर हमने आज निर्देशित किया है कि अपनी कल्याणकारी योजनाओं को उसका प्रचार प्रसार के माध्यम से, फैक्ट्री के दरवाजों के माध्यम से अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार हो और पता हो कि हमारी श्रम कल्याणकारी योजनाएँ ये हैं, तो वो श्रमिक के घर जाएँ, जो उसके पात्र लोग हैं उनकी पात्रता पे जो कुछ विसंगतियाँ थी उसको भी हटाने का काम किया है और उन विसंगतियों को दूर करने का। आर्थिक मंदी से तो पूरा दुनिया गुजर रही है इस समय। हम तो उस आर्थिक मंदी का डटकर मुकाबला कर रहे हैं कि जो अपनी इकोनॉमी है उसको हम बचाए हुए हैं। अगर और देशों को देखा जाए तो भुखमरी के कगार पर खड़े हैं, हम सक्षम हैं आज भी। हम बहुत, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वो जिस प्रकार से इकोनॉमी को संभाल करके चल रहे हैं, ये हमें गौरव की बात है। हम सबको उन पर गौरवान्वित करना चाहते हैं। कंपनी ने जिस प्रकार से लोगों की छटाई कर रही है, कर्मचारियों को लगातार हटाया जा रहा है, इस पर आप लोगों का क्या कदम रहेगा? कर्मचारी और उद्योगपति दोनों का चोली दामन का साथ है। उद्योग होंगे तो श्रमिक होंगे, श्रमिक नहीं होंगे तो उद्योग नहीं चलेंगे। तो जहाँ श्रमिकों के हटाने का उद्योगपतियों का सवाल आता है तो उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी घटती प्रोडक्शन, उसमें कई कारण हो सकते हैं। इसलिए उस पर ये ध्यान इंगित होता है कि वो उसको बाध्य नहीं किया जा सकता उस बात को लेकर। हाँ, लेकिन जहाँ उसका ईएफ है, पीएफ है, उसके अधिकार है उद्योगपति के पास, वे सारे उसको सुविधाजनक उसको मिले और उसके बाद कोई बात हो तो ये उसके लिए हम जिम्मेदार हैं और जिम्मेदारी से काम करेंगे। वो असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं खनन के, हमारे यहाँ कल्याणकारी योजनाएं हैं और ऐसी कल्याणकारी योजनाएं हैं कि अगर श्रमिक के परिवार पे कोई ट्रेजडी हो जाती है तो वो पंजीयन होना चाहिए उसका, तो उसको 5 लाख रुपए देने के हम अधिकारी हैं। हमने ये निर्देशित किया है कि श्रमिकों के पंजीयन के लिए लेबर चौराहे पर शिविर लगाए जाएंगे और शिविर के आधार पर उनके पंजीयन कराए जाएंगे, ऑनलाइन पंजीयन कराए जाएंगे। ये भी हमने व्यवस्था बना दी है अभी 29 अगस्त को कि ऑनलाइन भी कर सकते हैं और हमारे लेबर चौराहे पर जाकर के शिविर कैंप लगेंगे, वहाँ पर उनके पंजीयन होंगे, उसके लिए पारदर्शिता लाई जाएगी और हम अभियान चलाएँगे अक्टूबर माह से कि हम भी लेबर चौराहे पर स्वयं जाएँ और उनके पंजीयन प्रक्रिया खुद कार्रवाई करेंगे। हाँ, उस पर आज जो है जहाँ लाभार्थियों की संख्या जीरो पाई गई है उसकी कई विसंगतियाँ उन्होंने अपनी बताई है, उस पर बातचीत और जारी है कि उनको किस प्रकार से क्यों नहीं अवगत थे या फैक्ट्रियों के अंदर क्यों नहीं बताया गया था या फिर प्रतिष्ठान को, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आज 17,500 उद्योग है, फैक्ट्री है जो हमारे श्रम कल्याण परिषद से संलग्नता है और 5.5 लाख प्रतिष्ठान वाणिज्य कर जो सोप्रिक्स मॉल है वो है, तो इन सब का ब्यौरा वो जुटाएंगे और उनके यहाँ तक पहुँचाने में काम करने का उन्होंने हमें आज जो वचन दिया है। तो अगले, यानी आज पहली बार आपने लिया है तो अभी हम बात भी करेंगे इस पर, ऐसे कितने श्रमिक है कि जिनको रोज़गार नहीं मिल पा रहा उसके माध्यम से, वो तो कानून है और उसका सुनिश्चित है कि इतने दिन आपको देना ही देना है उसको रोज़गार, तो उसका संज्ञान हम लेंगे अभी आपकी इस पर लेंगे। मंत्री जी, रहने को सुविधाएँ नहीं मिल रही, तो लगातार जिस तरह की घटनाएँ सामने आ रही, क्या करेंगे आपके? ऐसी कंपनी का नाम
और जो ऐसे श्रमिक हैं जिनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, जिनके वे पात्रता हैं, जिनके आधार हैं, वो मुझे अवगत होगा तो मैं तत्काल उस पर आदेश अभी निर्गत करूंगा। बघेल कंपनी दर्जनों जो है श्रमिकों को भगा दिया, वो सब अपना हक मांग रहे थे अभी जो है सप्ताह पहले। मुझे जितने भी अभी दौरों पर, अभी जैसे मुझे गोरखपुर में कुछ पत्र मिले थे, शिकायती पत्र आए थे मेरे पास, आजमगढ़ में आए थे, हमने उस पर तत्काल कार्रवाई कराई और कार्रवाई होने के बाद उन पर काम भी शुरू हो गया, उनको बुला भी लिया गया लेबर ऑफिसर उन्होंने हमारे। लेकिन यहाँ भी अगर ऐसी कोई शिकायत मुझे मिल जाती है, अभी मैं हूँ यहाँ पर, या मेरे जाने के बाद हमारे सांसद जी को या हमारे प्रतिनिधियों को यहाँ जो हमारे लोग हैं वो देंगे, तो उस पर एक्शन हो जाएगा। यहाँ जो युवा है यहाँ रोजगार नहीं मिलता, रोजगार का मतलब योग्यता है। मान लो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो टेक्निकल लोग बाहर से लाने पड़ते हैं उद्योगपति को, और जहाँ ऐसे बहुत होंगे श्रमिक जो बाहर से नहीं वो यहाँ से मिलते होंगे, तो ये सब मिलावट है एक प्रकार से। तो श्रमिकों के प्रकार हैं, तो कैसा योग्यता वाला कोई कारीगर बाहर से लाना पड़ गया, कि मान लो कोई कारीगर है वो काम नहीं जानता, वो बाहर से आएगा तो उसे यहाँ नहीं मिला तो वो बाहर से लाना पड़ेगा, तो ये सब प्रकार हैं। ये उद्योगपतियों की बात होते हैं, सिविल संबंधी जो वर्क होते हैं वो आपके युवक पहन मिल सकते हैं, उनके लिए भी आज युवा लोग हैं, यहाँ कोई गवार नहीं बैठे, यहाँ भी योग्य लोग हैं। नहीं, योग्य कंपनियां नहीं लगती हैं लोकल स्तर से, ऐसे जो योग्य हैं वो यहाँ के हो चाहे बाहर के, सब जगह उन्हें रोजगार मिलता है, और जहाँ उनका जिसका कॉन्टैक्ट, यहाँ पर कई कंपनियां हैं वहाँ पे ठेके पे मजदूर लाए जाते हैं, उनको श्रमिक की कोई भी सुविधा नहीं, उस पर आप लोग क्या कर रहे हैं? उस पर हमने अमेंडमेंट करने की बात कही है आज। जो कॉन्ट्रैक्टर लेबर है उसके लिए बहुत सारी विसंगति हमारे श्रम कल्याण परिषद में थी, उसको हमने अब 3 अक्टूबर को तत्काल एक बैठक बुलाई है, और 3 अक्टूबर को उस बैठक में तत्काल निर्णय होगा, और जो कॉन्ट्रैक्टर लेबर है उसके हितार्थ को सामने रख करके उस पर निर्णय लिया जाएगा। कंपनियों की तरफ से यहाँ बैठे हैं, कंपनी द्वारा बड़ी मात्रा में रात उड़ाई जाती है इधर लेबर कॉलोनी की तरफ, उससे लोग परेशान हुए हैं, कई बार शिकायत की पॉल्यूशन कंट्रोल विभाग से, लेकिन उन लोगों की सुनवाई नहीं हुई, तो क्या कहना चाहेंगे इससे? आप उसके प्रति मुझे एक कोई जो प्रार्थना पत्र है वो मुझे दे दीजिए, मैं उस पर कार्रवाई कराऊंगा। नहीं, एक्शन प्रार्थना पत्र पे ही तो एक्शन कराऊंगा, प्रार्थना पत्र मुझे लिख करके आज अभी दीजिए, मैं आज ही एक्शन कराऊंगा। नियंत्रण बोर्ड प्रदेश नियंत्रण बोर्ड आपको अवगत कराया, संज्ञान लेंगे या प्रार्थना पत्र मांगेंगे? देखिए, सरकारी कागज को चलाने के लिए प्रार्थना पत्र चाहिएगा, मैं स्वतः संज्ञान लूंगा, लेकिन उसके एक प्रार्थना पत्र की एक दरखास्त की आवश्यकता होगी, उस पर कार्रवाई होगी, बिगर कागज के कार्रवाई होना संभव नहीं हो पाता है, उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, उस प्रार्थना के पत्र पर ये कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जिस तरह से देश में आपकी बंदी चल रही है और लोगों को रोजगार से बाहर से भी लाने पड़ते हैं, तो ऐसे अनेक अनेक प्रकार हैं श्रमिकों के, उनके श्रमिकों के अलग अलग प्रकार के कारण से उद्योगपति अपने यहाँ रखता है उसको, तो श्रमिकों को भारत के प्रधानमंत्री ने 2019 की जनवरी में ला करके बिल, उस पर अमेंडमेंट किया, और अमेंडमेंट ये किया कि जो श्रमिक है खेती और काम करने वाला किसान, यानी कि किस प्रकार से पंजीयन करा रहे हैं। मंत्री जी, यहाँ का खनन उद्योग अंतिम सांसे में रहा, 1 लाख से अधिक, अरे उनको बंद कर दो, पीछे जो बात कर रहे हैं लोग, सुनिए, खनन क्षेत्र के 1 लाख से अधिक श्रमिक बेकार पड़े हुए हैं, मनरेगा से भी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।